हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 दैट इज अप्रोक्सीमेशन कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया था, और उसके पहले के एक्सरसाइज में दैट इज 2.1 में हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल सॉल्व किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.3 इज बेसिकली बेस्ड ऑन द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ थियरम। फर्स्ट थियरम है रोल्स थियरम एंड सेकेंड थियरम इज लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थियरम, दैट इज कॉल्ड एज LMVT। सो बेस्ड ऑन दीज टू थियरम्स वी आर गोइंग टू सॉल्व द सम्स ऑफ एक्सरसाइज 2.3। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वीडियो पर एंड तक बने रहना। सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज, एक बार जो रोल्स थियरम है और जो लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थियरम है उसका मैं आपको स्टेटमेंट एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व द सम्स। ठीक है, फर्स्ट देखो यहाँ पर दिया है रोल्स थियरम। If a real valued function f is continuous on closed interval a, b and differentiable on open interval a, b such that f of a equal to f of b, then there exists at least one c in the open interval a, b such that f dash c equal to 0। ये इसका स्टेटमेंट है। That means Rolle's theorem satisfied करने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए। पहला कंडीशन है कि जो भी आपको फंक्शन दिया रहेगा f of x, that function should be continuous on closed interval a, b। ठीक है, अब ये क्लोज इंटरवल का मीनिंग आपको मालूम है। क्लोज इंटरवल मीन्स व्हाट, x का वैल्यू a भी आएगा और x का वैल्यू b भी रहेगा, एंड बिटवीन a एंड b ऑल रियल वैल्यूज, ये क्लोज इंटरवल है। तो कोई भी फंक्शन दिया रहेगा तो फर्स्ट कंडीशन है वहाँ पे जो भी फंक्शन रहेगा आपका f ऑफ x वो कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल a, b, a और b का वैल्यू आपको रियल वैल्यू दिया रहेगा। बाद में सेकेंड कंडीशन आता है, सेम फंक्शन f ऑफ x शुड बी डिफरेंशिएबल, हाँ डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल a, b। अब ओपन इंटरवल आपको मालूम है, ओपन इंटरवल a, b मीन्स x का जो वैल्यू रहेगा बिटवीन a एंड b रहेगा, दैट मीन्स x इक्वल टू a, x इक्वल टू b नॉट पॉसिबल। तो x लाइज बिटवीन a एंड b एक्सक्लूडिंग a एंड b, और क्लोज इंटरवल मीन्स x लाइज बिटवीन a एंड b बट इंक्लूडिंग a एंड b। f ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए। Then there exists at least one c. अब c क्या है, real number है, ठीक है, in the open interval a, b, that means real number c का जो value है वो open interval a, b के बीच में होना चाहिए such that f dash c is the derivative of the given function at point x equal to 0। तो जब आप ये equate करोगे डेरिवेटिव एट पॉइंट x इक्वल टू c, हम लोग इक्वेट करेंगे इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको c का वैल्यू मिलेगा। तो जो c का वैल्यू मिलेगा वो कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए, c जो है वो ये ओपन इंटरवल a, b के बीच का एक वैल्यू होना चाहिए। तो ये हो गया आपका रोल्स थियरम। सेकंड देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे थियरम है लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थियरम, शॉर्ट में उसको हम लोग बोलते हैं LMVT। अब देखो इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन f इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल a, b, सेम जैसे रोल्स थ्योरम हमने किया, जो भी आपका फंक्शन रहेगा वो कंटिन्यूस रहेगा ऑन क्लोज इंटरवल a, b एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a, b। यानी कि ये कंडीशन जो रोल्स के थ्योरम का था वही सेम कंडीशन देखो यहाँ पे भी है। और रोल्स थ्योरम में भी जो गिवन फंक्शन रहेगा f ऑफ x दैट शुड बी कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल, देन देयर एग्जिस्ट at least one c, c means any real value in the open interval a, b, that means c का जो value आएगा a और b के बीच में कोई भी एक real value रहेगा such that ये condition देखो यहाँ पर दिया है f dash c equal to f of b minus f of a upon b minus a। तो ये condition use करके आप c का value find out कर सकते हो, c is any real number which lies in the open interval a, b। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम। तो जब भी हम लोग सम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के 2.3 के, तो आपको इजीली ये जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया हुआ है या जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है रोल्स थ्योरम का एंड लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम का, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आई विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.3। देखो एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपको दिया है,
चेक द वैलिडिटी ऑफ द रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग. दैट मीन्स जो गिवन फंक्शन है आपको चेक करना है कि उसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है. ठीक है, तो फर्स्ट सब क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री वेर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1, 3. ठीक है, तो हम लोग इसका देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. आपको चेक करना है कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है फॉर द गिवन फंक्शन. तो देखो आपको फंक्शन क्या दिया है, सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री दिया है. ठीक है, अब जो गिवन फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है. आपको मालूम है एक्स का पावर देखो यहाँ पे टू दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री. तो गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनॉमियल फंक्शन एंड यू नो दैट एवरी पॉलिनॉमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन फंक्शन, आप यहाँ पे लिखोगे गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनॉमियल फंक्शन. गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनॉमियल फंक्शन. ठीक है, गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनॉमियल फंक्शन, देयरफोर इट इज कंटिन्यूअस. देयरफोर इट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल क्या दिया है आपको 1, 3 एंड इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल. डिफरेंशिएबल किस पे रहेगा, ऑन ऑलवेज रहेगा ये ओपन इंटरवल 1, 3. कोई भी फंक्शन दिया रहेगा तो ये दो कंडीशन तो आपका सेटिस्फाइड होता ही है. जो भी फंक्शन रहेगा वो कंटिन्यूस रहेगा ऑन क्लोज इंटरवल 1, 3 एंड इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1, 3. फर्स्ट कंडीशन आपका सेटिस्फाइड हो रहा है. इसके बाद ना हम लोग सेकेंड कंडीशन चेक करेंगे. सेकेंड कंडीशन आपका है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी का कंडीशन है. तो यहाँ पर देखो आपको पॉइंट क्या दिया है इंटरवल का, ए का वैल्यू 1 हो जाएगा और बी का वैल्यू देखो आपको यहाँ पर 3 दिया हुआ है. आपको चेक करना है कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 3 आता है या नहीं आता है. सो एफ ऑफ एक्स दिया है आपको, सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री. सिंपली क्या करना है आपको, एक्स का वैल्यू 1 पुट करना है. ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 और ये प्लस 3. तो कितना आता देखते हैं हम लोग यहाँ पर. तो ये हो जाएगा देखो आपका एफ ऑफ 1 इक्वल टू 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 4 ये 0 हो जाएगा. ठीक है, एफ ऑफ 1 0 हो गया. अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ बी मतलब 3. तो विल फाइंड आउट एंड एफ ऑफ 3 निकाल के देखते हैं हम लोग. सो पुट एक्स इक्वल टू 3 है, तो ये देखो हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 और ये देखो आपका प्लस 3 है. तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, सो दिस इज 9 माइनस 12 प्लस 3. तो कितना हो जाएगा देखो आपका ये 3, 9 प्लस 3 कितना होगा 12, 12 माइनस 12 0 हो जाएगा. तो देखो यहाँ पर एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3 दोनों सेम आ रहा है. यहाँ पर आपको एफ ऑफ 3 क्या मिल गया, एफ ऑफ 3 भी 0 मिल गया. नाउ सी एफ ऑफ 1 का वैल्यू भी 0 आ रहा है और एफ ऑफ 3 का वैल्यू भी 0 आ रहा है. दैट मीन्स यहाँ पर सेकेंड कंडीशन आपका सेटिस्फाइड कर रहा है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी. दैट मीन्स यहाँ पर कितना दिया है 3. तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी, एफ ऑफ 1 इक्वल एफ ऑफ 3. ये कंडीशन देखो आपका सेटिस्फाइड हो गया. तो लिख देंगे हम लोग कंडीशन सेटिस्फाइड, ये लिखेंगे हम लोग कंडीशन सेटिस्फाइड. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0. तभी हम लोग सी का वैल्यू ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने का. टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट, ठीक है, सच दैट कंडीशन क्या दिया था आपका, कंडीशन है एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0. ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा और यहाँ से सी का वैल्यू आपको मिलेगा. तो एफ डैश ऑफ सी कैसे मिलेगा, एफ ऑफ एक्स दिया है इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और जो डेरिवेटिव का वैल्यू आएगा वहाँ पर एक्स का वैल्यू हम लोग सी पुट करेंगे. तो नाउ सी एफ ऑफ एक्स आपको दिया है तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x आता है डेरिवेटिव और माइनस 4x का क्या आएगा आपका, माइनस 4 आएगा. जस्ट आपको एक्स का वैल्यू सी पुट करना है. तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 2c माइनस 4 हो जाएगा. और अपने कंडीशन वाले में एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0, तो एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू कितना मिला 2c माइनस 4. तो इसको हम लोग इक्वेट करेंगे 0 को ही. तो देखो यहाँ से आपको सी का वैल्यू मिल जाएगा, सी इक्वल हो जाएगा 4/2 दैट इज 2 हो जाएगा. और ये जो 2 है दिस लाइज बिटवीन दिस क्लोज इंटरवल 1, 3. तो 2 लाइज बिटवीन 1, 3, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया एंड दिस 2 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका 1, 3. तो सम सॉल्व हो गया आपका. ठीक है, तो रोल्स थ्योरम यहाँ पर एप्लीकेबल है और यू कैन से रोल थ्योरम इज़ वैलिड.
देखो यहाँ पे सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल ई रेस टू माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, π। तो अपने को चेक करना है कि यहाँ पर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। दैट मीन्स फॉर दिस गिवन फंक्शन रोल्स थ्योरम इज वैलिड और नॉट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो विल राइट हियर, स्टार्ट करते हैं इसका देखो सॉल्यूशन हम लोग। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या रहता है देखो आपका, कि जो भी गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल। तो यहाँ पर जो f ऑफ x दिया है, तो f ऑफ x इज द, दैट मीन्स गिवन फंक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस, देयरफॉर देयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, विल राइट हियर, सिंस ई रेज टू माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, ये क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूस फंक्शन, एंड ऑलवेज रिमेंबर कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल आता है, दैट मीन्स 0, π पे आता है, एंड इट इज ऑल्सो, हाँ, एंड इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल, हाँ, दैट इज 0, π। तो फर्स्ट कंडीशन आपका सेटिस्फाइड हो गया, गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड इट इज डिफरेंशिएबल। एफ ऑफ एक्स क्या दिया है आपको, सेकेंड कंडीशन चेक करेंगे हम लोग, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है ई रेज टू माइनस एक्स इंटू, यहाँ पर आपको दिया है साइन एक्स। तो सेकेंड कंडीशन क्या है, आप फाइंड आउट करोगे एफ ऑफ जीरो एंड एफ ऑफ पाई, दैट मीन्स गिवन फंक्शन में एक्स का वैल्यू एक बार जीरो पुट करेंगे और एक बार हम लोग पाई पुट करेंगे, तो राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आएगा तो सेकेंड कंडीशन आपका सेटिस्फाइड कर रहा है रोल्स थ्योरम का। तो मैं फाइंड आउट करता हूं पुट एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ जीरो इक्वल टू ई रेज टू माइनस जीरो इंटू हो जाएगा आपका ये साइन जीरो। ठीक है, सी ई रेस टू माइनस जीरो इंटू साइन जीरो, तो ई रेस टू जीरो तो वन होता है मल्टीप्लाइड बाय साइन जीरो डिग्री, आपको मालूम है जीरो तो जीरो हो गया, देयरफॉर वी गॉट हियर एफ ऑफ जीरो इक्वल टू आपको जीरो मिल गया, इतना तो मिल गया अपने को। अब यह नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ पाई, दैट मीन्स गिवन फंक्शन में एक्स का वैल्यू आप पाई पुट करोगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ ऑफ पाई इक्वल टू ई रेस टू माइनस पाई इंटू आएगा आपका देखो यहाँ पर साइन पाई, सो दिस इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस पाई कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा इंटू साइन पाई, पाई मीन्स 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री का वैल्यू जीरो होता है मालूम है आपको मल्टीप्लाइड बाय जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, देयरफॉर वी गॉट एफ ऑफ पाई का वैल्यू भी जीरो मिल गया देखो यहाँ पे। ठीक है, तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो मिल गया और एफ ऑफ पाई का वैल्यू भी जीरो मिल गया, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ पाई कंडीशन सेटिस्फाइड। तो देखो आपका सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया, कंडीशन सेटिस्फाइड लिख दिया मैंने यहाँ पे, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया आपका। सेकंड कंडीशन जब सेटिस्फाइड हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम लोग, सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कंडीशन अपने पास है एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, तो अपने को सबसे पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो देखो आपको फंक्शन दिया है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, ये फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग एक बार, तो डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा यू इंटू वी रूल, तो ये हो जाएगा यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस आएगा वी दैट मीन्स साइन एक्स आएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स, तो ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। तो मैंने जस्ट क्या किया यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ किया, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस, ये आपका हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स। बाय रोल्स थ्योरम कंडीशन क्या है, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू जीरो, तो अपने को मालूम है सिंस एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू जीरो होता है बाय रोल्स थ्योरम, तो मैं क्या करूँगा एक्स का वैल्यू मैं सी पुट करूँगा फंक्शन में और इक्वेट करूंगा जीरो के, तो क्या हो जाएगा देखो आपका यहाँ पे एफ डैश एक्स के प्लेस पे क्या पुट करोगे आप सी, तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस सी इंटू हो जाएगा आपका ये कॉस सी माइनस हो जाएगा ये देखो आपका साइन सी इंटू ई रेस टू माइनस सी हो जाएगा,
करेक्ट। ये इक्वेट क्या करना है आपको, जीरो के इक्वेट करना है बिकॉज एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू जीरो। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से देखो, ई रेस टू माइनस सी को कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, कॉस सी माइनस यहाँ पर बचेगा आपका साइन सी इक्वल टू जीरो। ई रेस टू माइनस सी को वहाँ पर शिफ्ट करोगे तो जीरो से डिवाइड होकर जीरो हो जाएगा ये, दैट मीन्स क्या बचेगा आपको यहाँ पर, कॉस सी माइनस यहाँ पर बचेगा आपका साइन सी एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर आई कैन राइट हियर साइन सी इक्वल टू कॉस सी आ जाएगा। देखो साइन सी इक्वल टू कॉस सी आ गया, दैट मीन्स व्हाट, आपको मालूम है साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 और कॉस 45 का वैल्यू भी कितना होता है 1/√2। दैट मीन्स सी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 45 डिग्री आएगा। तो आई कैन राइट हियर देयरफॉर सी इक्वल टू पाई बाय 4 लिखेंगे राइट, बिकॉज साइन 45 और कॉस 45 दोनों का वैल्यू सेम होता है 1/√2। तो यहाँ पर देखो आपको सी का वैल्यू कितना मिल गया पाई बाय 4, पाई बाय 4 मीन्स व्हाट 45 डिग्री। तो ये जो सी का वैल्यू मिला है वो कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए आपका, तो जो सी का वैल्यू है वो ओपन इंटरवल में लाइज होना चाहिए। तो 0, π दिया है ना यहाँ पर इंटरवल, दैट मीन्स 0 से लेकर के 180 तक दिया है और आपका वैल्यू कितना आ रहा है सी का पाई बाय 4 मीन्स 45 डिग्री आ रहा है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है यहाँ पर। सो देयरफॉर आई कैन राइट हियर सी इक्वल टू कितना आएगा आपका, वह सी इक्वल टू पाई बाय 4 यहाँ पे लिख देंगे पाई बाय 4 एंड दिस पाई बाय 4 बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0, π, तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। सी इक्वल टू पाई बाय 4 बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल 0, π, देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज वैलिड, रोल्स थ्योरम इज वैलिड हाँ, बिकॉज ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड हो रहा है यहाँ पे, देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज वैलिड। तो ये सॉल्व हो गया आपका सम, ठीक है। सब क्वेश्चन आपको दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² - 5x + 3, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1, 3। तो यहाँ पर भी आपको चेक करना है एप्लीकेबिलिटी और वी कैन से वैलिडिटी ऑफ द रोल्स थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट स्टेप तो आपको मालूम है क्या करना है, पहला कंडीशन तो इजिली सेटिस्फाइड करेगा, यहाँ पर लिखोगे आप सिंस एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल आएगा आपका 1, 3 एंड इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, हाँ एंड इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1, 3। तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा पहला ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड होता ही है, गिवन फंक्शन वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे एंड डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे। तो पहला कंडीशन देखो आपका सेटिस्फाइड हो रहा है रोल्स थ्योरम का। अब सेकंड कंडीशन हम लोग चेक करते हैं, तो विल चेक फॉर द सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन आपको मालूम है क्या करना रहता है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आना चाहिए। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या दिया है 1 दिया है और बी का वैल्यू कितना दिया है आपको यहाँ पर 3। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ बी आता है या नहीं आता है, मैं ट्राई करता हूँ फाइंड आउट करने का। तो देखो आपको फंक्शन यहाँ पर दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² - 5x + 3। मैं फाइंड आउट करूंगा एफ ऑफ 1, एक्स का वैल्यू क्या पुट करूंगा 1, एफ ऑफ 1 दैट इज एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 1² - 5 × 1 + 3, कितना आएगा ये, तो ये हो जाएगा देखो आपका 2 + 3 = 5, 5 - 5 आपको 0 मिल रहा है। तो आई विल राइट हियर एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब मैं फाइंड आउट करूंगा एफ ऑफ बी, तो बी का वैल्यू कितना दिया है 3, तो आई विल राइट हियर एफ ऑफ 3 इक्वल टू पुट एक्स इक्वल टू 3 इन द गिवन फंक्शन, ये हो जाएगा 2 × 3² - 5 × 3 और ये प्लस 3 है, देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या आता है आंसर, 3² = 9, 9 2 हो जाएगा ये आपका 18 - 5 3 हो जाएगा 15 और ये देखो यहाँ पे प्लस 3 दिया हुआ है, सो देखते कितना आता है। सो 18 + 3 = 21, 21 - 15 करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 6, एफ ऑफ 3 इक्वल टू मिल गया देखो आपको 6। अब चेक करते हैं हम लोग कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आ रहा है या नहीं आ रहा है। एफ ऑफ 1 का वैल्यू 0 है, एफ ऑफ 3 कितना मिल रहा है आपको, एफ ऑफ 3 का वैल्यू आपको मिल रहा है 6,
तो दोनों भी इक्वल नहीं है, तो आई विल राइट हियर देयर फोर, यहाँ पे लिखोगे आप सिंस ज़ीरो नॉट इक्वल टू सिक्स देयर फोर एफ ऑफ वन नॉट इक्वल टू एफ ऑफ थ्री देयर फोर कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड देयर फोर कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड। तो रोल्स थ्योरम का जो कंडीशन था सेकंड वाला वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, रोल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयरफोर रोल्स थ्योरम, देयरफोर रोल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड लिखो या इनवैलिड लिखा आपने तो भी चलेगा, ठीक। तो ये सॉल्व हो गया सम। क्वेश्चन नंबर देखो फिफ्थ सब क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दो फंक्शन दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है इफ जीरो लेस देन ऑर इक्वल टू एक्स लेस देन ऑर इक्वल टू टू एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया आपको सिक्स माइनस एक्स इफ टू लेस देन ऑर इक्वल टू एक्स लेस देन ऑर इक्वल टू सिक्स। तो यहाँ पे दो फंक्शन है तो हम लोग दोनों को चेक करेंगे कि यहाँ पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। तो मैं वन बाय वन स्टार्ट करता हूँ। देखो फर्स्ट फंक्शन आपको दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आपको क्लोज इंटरवल क्या दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल इज जीरो कॉमा यहाँ पर देखो आपको टू दिया है क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, आपको मालूम है गिवन फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो आप लिखोगे यहाँ पर लिखोगे आप एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, हाँ ये हो जाएगा देखो आपका एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल जीरो कॉमा टू एंड इट इज डिफरेंशिएबल, हाँ एंड इट इज डिफरेंशिएबल लिखेंगे हम लोग एंड इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल जीरो कॉमा टू। फर्स्ट कंडीशन तो आपका सेटिस्फाइड करेगा। अब हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या रहता है आपको मालूम है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ जस्ट एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करोगे आप पहले जीरो, तो देखते हैं क्या आता है एफ ऑफ जीरो का वैल्यू, जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, फाइंड आउट नाउ एफ ऑफ टू, एक्स का वैल्यू टू पुट करो तो फोर हो जाएगा, तो जीरो इज नॉट इक्वल टू फोर, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो आप लिखोगे यहाँ पे देयर फोर एफ ऑफ जीरो इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ टू, तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है देयर फोर कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड, हाँ यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड, कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड देयर फोर रोल्स थियरम इज नॉट वैलिड देयर फोर रोल्स थियरम इज, आप इनवैलिड भी लिख सकते हो, रोल्स थियरम इज इनवैलिड लिख सकते हैं हम लोग इनवैलिड। सेकेंड फंक्शन का भी चेक कर लेते हैं हम लोग, देखो आपको सेकेंड फंक्शन क्या दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है सिक्स माइनस एक्स और यहाँ पे क्लोज इंटरवल कितना दिया है आपको, दिस इज टू कॉमा सिक्स आपको दिया क्लोज इंटरवल। तो फर्स्ट तो आपका कंडीशन वही रहेगा सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल टू कॉमा सिक्स एंड डिफरेंशिएबल, ये क्लोज इंटरवल है दिस इज क्लोज इंटरवल। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड करेगा एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 2.6 एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 2.6, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड करता है फॉर ईच प्रॉब्लम। हम चेक करेंगे सेकंड कंडीशन, तो मैं यहाँ पे पहले एफ ऑफ 2 निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 मुझे 4 मिलेगा, देन आई विल फाइंड आउट एफ ऑफ 6 तो ये हो जाएगा देखो आपका 6 माइनस 6 0 आएगा, बोथ आर नॉट इक्वल, एफ ऑफ टू का वैल्यू 4 आ रहा है और एफ ऑफ 6 का वैल्यू 0 आ रहा है, सो देयर फोर एफ ऑफ 2 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 6, दैट मीन्स कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड। तो आप लिखोगे देयर फोर कंडीशन, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग देयर फोर कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड, कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड देयर फोर रोल्स थ्योरम इज इनवैलिड, रोल्स थियरम इज इनवैलिड हो जाएगा आपका यहाँ पर भी, रोल्स थियरम इज इनवैलिड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये आपका, देखो सॉल्व हो गया फिफ्थ सब क्वेश्चन। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है, जहाँ पर हम लोगों ने स्टडी किया वेरीफिकेशन ऑफ द रोल्स थियरम। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।